अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बालों के लिए ये जो रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बालों में एक ऐसा कलर लेकर आएगी कि आप खुद खुश हो जाएंगे। तो ब्लैक हेयर की जो समस्या आप लोगों की अभी तक ठीक नहीं हुई थी, अब वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्लैक है और कितनी ज़्यादा अच्छी है और कितनी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है ना। तो इस रेमेडी को हमने केवल तीन चीज़ों से मिलकर बनाया है और YouTube पर पहली बार ये ब्लैक हेयर की रेमेडी जा रही है जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, इस ब्लैक हेयर रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट, मैं हूँ सीमा, जहाँ मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ स्किन केयर, बॉडी केयर, पीरियड से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, आपकी हर एक बॉडी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने यहाँ पर लिया है आपका हाफ कप के करीब करी लीव्स, हाफ कप के करीब आपका हीना लीव्स और हाफ कप के करीब आपका इंडिगो लीव्स, ठीक है ना। तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मिला दी हैं। मैंने आप लोग को यहाँ पर हाफ कप इसलिए बोला है कि अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो आप हाफ हाफ कप लेंगे और आपका जो आंवला है वो भी आपको हाफ लेना है। मैंने सारी चीज़ों को एक में रोस्ट किया है, बट आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को जो भी लीव्स वाली चीज़ें हैं उनको आपको अलग रोस्ट करना है और जो आपका आंवला है उसको अलग रोस्ट करना है, ठीक है ना। ये रेमेडी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाकर लगाती हूँ, बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको लगाया था, बहुत टाइम से उनको यूज़ करती हूँ, उनके बाल हमेशा इसी से ब्लैक रहते हैं, ठीक है ना। इस रेमेडी के बाद एक ब्लैक हेयर ऑयल भी शेयर कर लूँगी मैं आप लोग के साथ में, बट इस रेमेडी को अगर आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं तो ही, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लेनी है, हीना लिप्स, इंडिगो लिप्स और आपका करी लिप्स, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इसको अमेज़ॉन से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही ठीक रेट में और बहुत ही बढ़िया गुड क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और आपका एक साल पुराना आपको आंवला लेना है बिल्कुल ड्राई वाला, उसको भी आपको अलग रोस्ट करना है, ठीक है। और रोस्ट करने के बाद से इनको हम ठंडा होने देंगे, आपको ऐसा नहीं करना कि इसको जला देना है, जलाना नहीं है, बहुत ही प्यार से बनाना है और बहुत ही अच्छे से बनाना है। मैं इस रेमेडी को अपने हाथों में जब भी अप्लाई करती हूँ अपने हस्बैंड को तो ग्लव्स पहन के करती हूँ। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके जो हाथ हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं, नेल जो हैं आपके वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ना इसमें हमारा आयरन होता है और आंवला जो होता है वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, और जब वो ड्राई हो जाता है तो वो पूरा रिच हो जाता है विटामिन सी से, ठीक है ना। और आपके जो नेल हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इसको अपने पूरे लेंथ में मत अप्लाई कीजिएगा इस रेमेडी को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, सभी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, 17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हमें ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद इनका फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद से आपको इसको वाटर के साथ में भिगो देना है ओवरनाइट के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पाउडर बन गया है। आप चाहें तो एक एक किलो ये सारा पाउडर बनाकर रख लीजिए और उसके बाद जितनी आपको नीड है उतना आप इसमें ले लीजिए। इससे आपके बालों में बिल्कुल कलर जो आएगा ब्लैक कलर आएगा, और उसके बाद अगर आप उसको डार्क ब्राउन या फिर रेडिश कलर करना चाहते हैं तो इस पर मैं आप लोग के साथ में छोटी छोटी टिप्स ऐड कर दूँगी जो कि आप लोग के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी आपको बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है कि जिससे इसका एक पेस्ट बिल्कुल टाइट सा बन जाए, जिससे ये फर्मेंट हो जाए और इसका जो कलर है वो आना शुरू हो जाए। आपने स्टार्टिंग में इसका कलर देखा, दो दिन बाद आप इसको भिगो कर जब रखते हो ना दो दिन के लिए, तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है, अगर आप चलाएँगे नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे क्लीन बालों में अप्लाई करना है, थोड़े से गीले बालों में अप्लाई करना है, जिससे आपके बाल जो हैं ड्राई आउट नहीं होंगे। बालों में अप्लाई करने के बाद इसको आपको एक से डेढ़ घंटा रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, ऑयल लगे हुए बालों पर अप्लाई नहीं करना है। हफ्ते में तीन बार यूज़ कीजिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे, फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।